हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आपके दोस्त प्रिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया को इस गेम में बहुत बहुत स्वागत करती है। गुड डे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चलिए दोस्तों, आज का लव गेम का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, उनका मैसेज स्टेट में आ सकता है आपके पास, तो यहाँ पे आपको डेट दी जाएगी वो, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए। उनका मैसेज इस डेट में आ सकता है आपके पास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इसी वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। गेम को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे चूजिंग की तरफ। देखते हैं यहाँ पे चूज करने के लिए क्या है। तो चूज करने के लिए यहाँ पे चूज वन क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक दी जाएंगे आपको चूज करने के लिए। आपको उनमें से किसी एक क्लॉक को चूज करना होगा। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते होंगे 5 क्लॉक हैं। आप जल्दी से इनमें से किसी एक क्लॉक को चूज कर लीजिए। आई होप आपने अपना क्लॉक चुन लिया होगा। बढ़ते आगे, यहाँ पे होने लगी है लोडिंग, यानी कि नंबरिंग चालू हो चुकी है। नंबर के खत्म होते ही आंसर आएगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आंसर। जिसने भी चूज किया है इस क्लॉक को, क्लॉक अपना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लॉक की सुई है उनका हेर फेर किया गया है, ठीक है। अगर नहीं चूज किया है तो बैक जाके चूज कर ले, फिर आंसर देखें। चलिए, जिसने भी चूज किया है इस क्लॉक को, उसके लिए आंसर देखेंगे 15 मई 2022 में, यानी कि 15 मई को उनका मैसेज आ सकता है। दोस्तों, कर दीजिए छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हो सकता है आपके दोस्त को भी ये क्वेश्चन अच्छा लगे, उसे भी ज़रूरत हो इस क्वेश्चन की। तो दोस्तों, घड़ी, अगर आपने इस घड़ी को चूज़ किया है, सुइयों का हेर फेर किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर है आपके लिए 22 मई में, ठीक है, 22 तारीख को उनका मैसेज आपको मिल सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगली घड़ी की तरफ। तो जिसने भी चूज किया है इस घड़ी को, आंसर देख लेते हैं। तो इस घड़ी का आंसर है, उनका मैसेज आपको नहीं आएगा, जब भी करेंगे वो आपको कॉल ही करेंगे, तो उनका मैसेज आपको नहीं मिल सकता है। दोस्तों, जिसने भी चूज किया था इस घड़ी को, दोस्तों यहाँ पे घड़ी सेम है, बस सुइयों का हेर फेर किया गया है, ये बात याद रखिए। आगे बची हैं शायद दो घड़ी और, देख लेते हैं आंसर क्या है। जिसने भी चूज किया इस घड़ी को, आंसर देखेंगे 11 मई को उनका मैसेज आपको आ सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगली घड़ी की तरफ। तो आने की अगर पॉसिबिलिटी है तभी ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जिसने भी इस घड़ी को चूज किया, आंसर देखेंगे अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आएगा। तो हाँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा, आने की अगर पॉसिबिलिटी है, मतलब वो आपको कॉल करते रहते हैं, इधर ज़्यादा समय से नहीं किए हैं, तो आपके लिए है ये गेम, मतलब क्वेश्चन।